हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल आज हम फिर से हैवी साइज़ के सूट की कटिंग करेंगे ये ग्लेस कॉटन का कपड़ा है और इसके ऊपर ना जरी का थ्रेड वर्क हुआ है मतलब चुभने वाला धागा है तो वो तो बोल रहे थे कि लाइनिंग नहीं लगेगी मैंने उनको बोला कि एक साइड पर लगवा लो नहीं तो बहुत ज़्यादा चुभने वाला है ये कढ़ाई वाकई ही बहुत ज़्यादा चुभ रही थी हाथ लगा कर देखा ना मैंने अगर धागे की कढ़ाई होती ना तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं थी लाइनिंग की फिर तो चल जाता ऐसे ही कपड़ा मोटा है लेकिन ये कढ़ाई चुभती थी इसलिए एक साइड पर ही लाइनिंग लगाई है ऊपर से कट कर लिया है मैंने आगे का पीछे का अलग कर लिया है कपड़ा और सेंटर से पकड़कर फोल्ड कर लिया है इसको कढ़ाई को बिल्कुल सेंटर से दोनों तरफ एक जैसी कढ़ाई आनी चाहिए ये तीरा लिया है सात इंच और नीचे को भी सात इंच का निशान लगाकर बॉक्स बना लिया है बस्ट है पचास इंच चौथा भाग हो गया साढ़े बारह इंच और ये ढाई इंच और सवा इंच पर निशान लगाया है ये सवा इंच वाला निशान है और ये ढाई इंच वाला गुलाई डाल दी है इसकी और जैसे बस्ट का चौथा भाग साढ़े बारह हो गया ना उसमें दो इंच ज़्यादा लेकर साढ़े तेरह और साढ़े चौदह आ रहा था लेकिन मैंने चौदह ही लिया है डेढ़ इंच ही एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा कपड़े की चौड़ाई हो रही है तो पीछे का पल्ला जब कट करेंगे वहाँ से स्लीव के लिए भी कपड़ा बचाना है ना तो ये चौदह इंच और यहाँ पर मैंने तरतालीस इंच लिया है चालीस इंच रेडी है तरतालीस इंच का निशान लगा लिया है फोर्टी थ्री इंच का तो इसको कट कर देंगे अभी फिटिंग के निशान नहीं लगाए क्योंकि इसके ऊपर प्लेट डालनी है और फ्रंट के ऊपर लाइनिंग भी लगेगी बैक साइड पर नहीं लगाई थी कपड़ा तो काफ़ी मोटा है ग्लेस कॉटन का कपड़ा है ये ये फ्रंट का पल्ला कट हो रहा है इसके बाद में बैक साइड का पल्ला भी कट करती हैं तो ये गाजरी कलर का सूट है जैसे गाजर का कलर होता है ना रेडिश रेडिशा वो वाला बहुत सुंदर लग रहा था वेयर सूट है कढ़ाई बहुत अच्छी है इसके ऊपर और ये ढाई इंच वाली गुलाई कट कर दी है और इसको साइड पर करके या बैक साइड के लिए कपड़ा फोल्ड करूँगी चौदह इंच एक साइड पकड़ कर मैंने चौदह इंच फोल्ड कर लिया है ये तो जो बैक साइड का पल्ला निकालने के बाद सलवार भी कट करेंगे और ये फ्रंट का पल्ला सेम वैसे ही रख दिया है जैसे हमारा बैक साइड है बैक साइड का पल्ला सेम वैसे ही कट करेंगे जैसे फ्रंट का पल्ला होता है इसे अच्छे से सेट कर लेना है जिस साइड पर मैं बैठी हूँ कन्नी को कन्नी अच्छे से मिलानी है ऊँचा नीचा नहीं होना चाहिए तो कढ़ाई बहुत अच्छी हुई है मतलब कई एम्ब्रॉयडरी होती है ना खिंच जाता है कपड़ा ये नहीं खींचा हुआ था बिल्कुल सेट है कपड़ा अगर पतले कपड़े के ऊपर कढ़ाई हो ना तो फिर खींचता है ये तो काफ़ी मोटा था ग्लेस कॉटन का कपड़ा था तो जैसे हम जोर का कपड़ा होता है ना नेट का या उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो तो फिर वो कपड़ा खींचा खींचा सा रहता है और ये बैक साइड का पल्ला कट करेंगे अब मैंने सीधा पूरा ही कट कर लिया है फिर साथ में जो कपड़ा लटकता रहता है ना उससे फिर प्रॉब्लम होती है ऐसे ही मैंने फ्रंट का भी सीधा सीधा ही कट कर लिया था पहले अलग ही कर लिया था सारा और ये बैक साइड का पल्ला कट कर लिया है इसको तो अब आगे की काट भी डाल दूंगी ये जो सवा इंच की है और ऊपर से कंधे भी डाउन करने हैं तीन इंच का निशान लगाकर और यहाँ पर आधा इंच निशान लगाया है ये कंधे डाउन करने हैं वैसे तो मैं अंदाजे से कर लेती हूँ कभी कभी मैंने सोचा मार्किंग करके भी करना चाहिए ना ये आधा इंच कंधे डाउन कर दिए हैं नेक का तीन इंच छोड़ और ये सवा इंच वाली गुलाई डाल देनी है दो पल्ले उठाकर सिर्फ आगे वाली ध्यान से पीछे का नहीं कट होना चाहिए ये आगे वाले कट कर दिए हैं और पीछे के साइड पर हमने लाइनिंग नहीं लगानी इसलिए मैं इसके ऊपर प्लेट के निशान लगा लेती हूँ और नेक की कटिंग कर लेती हूँ साढ़े तेरह इंच पर निशान लगाया है अंदर से चार इंच का निशान लगाया है और सात इंच लंबा प्लेट डालूंगी इसके ऊपर साढ़े बारह इंच के बस्ट का चौथा भाग था और एक इंच प्लस करके साढ़े तेरह इंच और नेक की चौड़ाई ली है पौने तीन और लंबाई है पाँच इंच पाँच इंच डीप पिन चाहिए था नेक उसी हिसाब से मैंने बॉक्स बनाकर शेप बनाकर इसे कट कर लेना है और प्लेट का निशान दूसरी साइड पर भी ले लेंगे इसको पकड़कर ऐसे थोड़ा सा मार पिटाई करेंगे तो दूसरी साइड पर भी निशान आ जाएगा बिल्कुल सेट करके कपड़े को रखना है एक सार ऊँचा नीचा नहीं होना चाहिए फिर निशान लेने हैं दूसरी साइड पर ये देखें आसानी से निशान आ गए हैं क्योंकि इस कपड़े के ऊपर चौक बहुत अच्छे से चल रहा था ग्लेस कॉटन का कपड़ा ना एक साइड पर शाइन होती है एक साइड पर नहीं होती और ये एक मीटर ही लाइनिंग ली थी मैंने वैसे मैं दो मीटर लाती हूँ ना आज एक मीटर ही लाई थी क्योंकि फ्रंट के ऊपर ही लगानी है ये देखें इसको मैंने धो के रखा है और इसके बराबर हम करके लाइनिंग कट कर लेंगे फ्रंट का पल्ला उसके ऊपर रख दिया है लाइनिंग के यहाँ पर कढ़ाई है इसलिए इसके ऊपर लाइनिंग लगी है नहीं तो ज़रूरत नहीं थी मोटा था कपड़ा ये देखें इसको सेम वैसे ही कट कर देना है फ्रंट के पल्ले के अकॉर्डिंग अगर बैक साइड पर भी लगती तो फिर मैं बैक साइड का पल्ला रख कर फिर लाइनिंग कट करती हूँ क्योंकि फ्रंट के ऊपर हम आर्म होल के पास से डीप गुलाई डालते हैं ना इसलिए ये देखें कढ़ाई कितनी सुंदर है ना इसकी थोड़ी सी है पर सुंदर है बस फ्रंट के ऊपर ही है बाजू भी ना लगती है जैसे सीधी सीधी इसके ऊपर मैंने गोटा पट्टी पर लैस पड़ी थी वो लगा दी थी, थी फिर बाजू प्लेन लगती है ना ये देखें कट हो गया है लाइनिंग एक पल्ले का और बाकी के कपड़े को मैंने मैंने डबल फोल्ड करके ना सात इंच ऊपर को फोल्ड कर लिया है इनको पहुँचा चाहिए था साढ़े सात इंच सात इंच ही फोल्ड किया है मैंने ज़्यादा नहीं किया और लंबाई है सलवार की छत्तीस इंच छत्तीस तीन उनताली में से आठ निकालेंगे तो रह जाएंगे इकतीस इंच थर्टी वन थर्टी वन का निशान लगा कर दो इंच आगे को बढ़ाया इस तरफ से ग्यारह इंच आसन ली थी मैंने तो दो इंच आगे को बढ़ा दिया था अब टेढ़ा निशान लगा देंगे ये चौक के साथ आसन के निशान को और वो पहुँचे के निशान को आपस में मिला देना है तो ये दो कुंदे हो जाएंगे और दो पल्ले हो जाएंगे और चार कुंदे चाहिए होते हैं इसको कट करके ना उसके ऊपर पलट के दो और कुंदे निकल जाएंगे और बेल्ट और बाजू रहती है अभी बनाने के लिए तो बाजू शुक्र है मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था हाफ बोला था उन्होंने आधी बना देना लेकिन पौड़ी पौनी बाजू ना बिल्कुल नहीं निकलनी थी क्योंकि सूट के आगे कपड़ा बहुत कम बचा था जी देखें ऊपर से ऊंचा नीचा था इसको सेट कर लिया है और जो पल्ले हैं ना हमारे वहाँ पर छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि पता चल सके कि सिलाई कहाँ पर लगेगी और ये दोनों कुंदे ऊपर रख दिए हैं उठाकर और पल्ले का कपड़ा है जो वो बाहर को निकाल दिया है और सेट करके इसको कट कर देंगे ये कपड़ा भी ज़्यादा फिसलता नहीं बड़ी आराम से सेट हो जाता है ग्लेस कॉटन का होता है जो तो इसको सेट करके अब कट कर लेंगे चार पल्ले हो जाएंगे और दो चार कुंदे हो जाएंगे ये और दो पल्ले हो जाएंगे और ऊपर थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है वहाँ से स्लीव निकाल ली थी फिर स्लीव आडी नहीं होगी नहीं तो आडी हो जानी थी तो इसको मैं कट कर लूँगी ये देखें तो यहाँ से इस तरफ कट कर लेना है जहाँ पर हमारे सात इंच कपड़ा फोल्ड था ना वहाँ से कट किया है और ये आधा इंच की गुलाई डाल देनी है आसन भी मैंने इनकी ज़्यादा ली थी ग्यारह इंच लिया था और ये सलवार भी कटिंग हो गई है अब हमने बेल्ट भी निकालनी है और बाजू भी बनानी है यही जो टी की तरह कपड़ा बचा है ना इसको सीधा कर लूँगी इस तरह से बाजू बनाऊँगी ना तो आडी नहीं बनेगी इसीलिए मैंने कपड़ा बचा लिया था सीधा सीधा तो मैं सलवार बनाते समय ना स्टैंड को थोड़ा ऊपर करती हूँ क्योंकि कपड़ा नहीं अंदर आता फिर से मैंने अब नीचे कर दिया है इसको तो ये देखें इसको कपड़े को फोल्ड करके ना दोनों साइड से कट कर लूँगी बाजू मैंने रेडी बनाई थी सात इंच रेडी होगी तो नौ इंच लिया था लंबाई को जी देखें इसको सेट करके रख देना है इस तरह से बाजू बनाएंगे तो आडी नहीं बनेगी बिल्कुल सेट बनेगी कन्नी वाली साइड जो है ना वो नीचे की तरफ आनी चाहिए तो इन सारी तय को सेट करके साढ़े तीन इंच का निशान लगाऊंगी नीचे को पहले लंबाई ले लूँगी मैं जितनी मुझे चाहिए और यहाँ से साढ़े तीन इंच चाहिए मुझे नीचे से और गुलाई डाल देनी है और मोरी अंदाजे से ले लेंगे मैंने साढ़े छः इंच रेडी रखी थी मोरी बाजू की तो इसको कट कर देंगे ये देखें यहाँ से साढ़े तीन इंच गुलाई है ये पूरी जो हमारा था ना कपड़ा फोल्ड किया तो दस इंच आ ही जाता है ये इक्कीस इंच इंच की व्यर्थ होती है नॉर्मल कपड़े की तो जब चार तय करती हैं तो दस इंच ही आता है थोड़ा थोड़ा सा ना कपड़ा इकट्ठा हो जाता है ना ये जो बैक साइड का पल्ला कट किया था वहाँ से कपड़ा बचा है बस सीधा सीधा बाकी सारी कतरन ही बची हैं इसे डबल फोल्ड करके आठ इंच का निशान लगाऊंगी और बेल्ट हमें चाहिए अड़तालीस इंच हिप है उसका आधा हो गया चौबीस इंच चौबीस में चार बढ़ाएंगे बड़ा, तो 28 इंच चाहिए ट्वेंटी एट इंच बेल्ट लंबी तो ये तो इक्कीस इंच कपड़ा है ना जैसे फोल्ड किया है मैंने तो अट्ठाईस इंच चाहिए थी मुझे सात इंच लंबा जोड़ डालेंगे ये देखें यहाँ से इक्कीस इंच ही हो रहा था तो मुझे चाहिए अट्ठाईस इंच ट्वेंटी एट इंच तो बाकी का जे जोड़ डालेंगे यहाँ से ये कम था कपड़ा फिर मैंने बड़ा वाला कपड़ा उठाया जोड़ वाला तो वहाँ से जोड़ डालेंगे आठ इंच लंबा और सात इंच पूरा पूरा ही चाहिए मुझको ये देखें यहाँ से दो जोड़ चाहिए मुझको साथ की दो जोड़ चाहिए तो फिर बेल्ट हमारी कंप्लीट होगी तो ये देखें इसे कट कर लूँगी थोड़ा सा कपड़ा बचा है जैसे गले के ऊपर लगेगा पहुँचे के ऊपर पूरा पूरा ही होता है कपड़ा तो इसको कट कर लेंगे ये देखें ये हमारी बेल्ट की भी कटिंग हो गई है अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना थैंक्स फॉर वॉचिंग